कि आज आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा का 9वां दिन है। पिछले 8 दिनों में पूरे हरियाणा के अंदर जबरदस्त जन समर्थन आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा को मिला है। मुझे आज पूरी उम्मीद है कि असंध और कलायत जहां आज हम जा रहे हैं वहां पर भी लोगों का बहुत प्यार हमको मिलेगा। आज जिस मुद्दे के ऊपर हम बात करना चाहते हैं वो हरियाणा के खिलाड़ियों जिन्होंने पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन किया, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, इस पर सवाल खड़ा होना चाहिए, इसमें बदलाव आना चाहिए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खिलाड़ियों का भविष्य खराब करने का काम कर रही है, खिलाड़ियों को उचित सुविधाएं मुहैया कराने में नाकाम रही है। घोषणाएं होती हैं, तस्वीरें होती हैं, जब कोई खिलाड़ी अपनी मेहनत से, अपने परिवार की मेहनत से जब कोई खिलाड़ी जीत करके आता है तो उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने की होड़ लग जाती है। मुख्यमंत्री जी उसके साथ अपनी फ़ोटो जारी करते हैं और ये बताते हैं कि ये हमारी सरकार की उपलब्धि है, जबकि सरकार का खेलों में योगदान नगण्य है। हरियाणा के अंदर जो कहा गया था कि जो ओलंपिक खेल के आएंगे खिलाड़ी या जो इंटरनेशनल मेडल लेकर के आएंगे उनके गाँव में स्टेडियम बनाए जाएंगे, मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि कितने स्टेडियम बने हैं, कहाँ हैं वो स्टेडियम, क्या उनके अंदर कोचेज़ हैं, क्या उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्टेडियमों की ऐसी बुरी हालत है कि वहाँ पर बड़ी बड़ी घास उगी रहती है, ग्राउंड ख़राब है, प्रैक्टिस करने की कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई कोच वहाँ पर डेप्यूट नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में खिलाड़ी कैसे तैयार होंगे। यानी जो खेल को प्रोत्साहन देने के लिए नीति होनी चाहिए, खेल नीति होनी चाहिए जिससे कि ग्राउंड लेवल से, गाँव के स्तर से बच्चों को तैयार किया जा सके, वो हरियाणा में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है सरकार करने में, और खिलाड़ियों का मान सम्मान करने में भी सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। इसके दो ताज़ा उदाहरण, एक जूनियर महिला कोच का केस जिसके आरोपी संदीप सिंह जो चार्जशीटेड मंत्री हैं उनको अभी तक मंत्री पद पर बना के रखा हुआ है, और दूसरा जिस तरह से हरियाणा की बेटी साक्षी मलिक के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया, जैसे हरियाणा के खिलाड़ी अपने मेडल वापस लौटाने को मजबूर हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता ठहाके लगा रहे हैं, वो अपने आप में बताता है कि उनकी खिलाड़ियों के बारे में किस तरह की सोच है। इसके ठीक उलट अगर आप पंजाब में देखेंगे तो पंजाब में हमने पिरामिड स्ट्रक्चर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनाई हैं जिसमें हम गांव के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे और स्टेट के लेवल पे बड़ी बड़ी अकेडमीज तैयार कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, और गाँव के स्तर से ही वहाँ पर खेल नीति में हम ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर खिलाड़ी को अपने घर से 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर खेल सुविधाएं मिल सकें, स्टेडियम मिल सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, और जो खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डाइट का इंतज़ाम करना, उनके लिए कोचिंग का इंतज़ाम करना, स्कूल लेवल से ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग का इंतज़ाम करना, ये सारी चीज़ें पंजाब की खेल नीति का हिस्सा हैं। और दिल्ली में भी हमने देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण वहाँ पर किया है जिसमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, जिसके लिए अभी विदेश जाते हैं बच्चे, वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का इंतज़ाम भी वहाँ पर हो, और जो हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं देश के, वो वहाँ पर कोचिंग दे सकें, इसका इंतज़ाम दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। और पंजाब के अंदर जो नई खेल नीति आई है उसमें जो भी खिलाड़ी जीत करके आएंगे उनको सरकारी नौकरी का इंतज़ाम भी वहाँ पर किया गया, रिवॉर्ड्स और सरकारी नौकरी का, जिससे कि खिलाड़ी प्रोत्साहित हों, खेलों की तरफ आकर्षित हों। लेकिन हरियाणा में ठीक इसके उलट जो भी घोषणा खिलाड़ियों के लिए की जाती है, नौकरी के लिए बाद में चक्कर काटते रहते हैं खिलाड़ी, कॉम्पनसेशन के लिए बाद में चक्कर काटते रहते हैं खिलाड़ी सरकारी दफ्तरों के अंदर, और बद इंतज़ामी की बुरी हालत हरियाणा के अंदर, इंतज़ामों की बुरी हालत है खिलाड़ियों के लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हरियाणा के खिलाड़ी, हरियाणा के लोग अगर इसमें बदलाव चाहते हैं तो जैसे पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण काम कर रही है, उसी तरीके से हरियाणा के अंदर भी किया जा सकता है। तो सारे खिलाड़ियों से अनुरोध है, उनके सभी सगे संबंधियों से, उनके परिवारों से अनुरोध है, और सभी लोगों से हरियाणा में अनुरोध है कि सभी बदलाव यात्रा का हिस्सा बने, इस बदलाव का हिस्सा बने, और आइए एक सुनहरा हरियाणा बनाएं, आइए एक ऐसा हरियाणा बनाएं जहां खिलाड़ियों का मान सम्मान भी हो और जहां खिलाड़ियों को उनके खेल के एवज में उनको वो सम्मान, वो रिवॉर्ड, वो नौकरी, वो
वो सारी चीजें भी उपलब्ध हो सके और ग्राउंड लेवल पर गांव के स्तर पर बच्चों को ट्रेनिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध हो सके। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। खेलों के साथ साथ और हरियाणा में किन चीजों के बदलाव की जरूरत समझते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 57 साल के अंदर मैं जगह जगह जा रहा हूँ, महेंद्रगढ़ से हमारी यात्रा चली थी और यहाँ तक पहुंची है। मैं जगह जगह जा रहा हूं तो लोग ये कहते हैं कि किस तरह का बदलाव लाएंगे, तो मैं लोगों से पूछता हूं कि पिछले 57 साल में बार बार सरकारें बदली, पार्टियां बदली, लेकिन न बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हो पाई, न पानी घर घर पहुंच पाया, न सरकारी स्कूल अच्छे हो पाए, न सरकारी अस्पताल अच्छे हो पाए, न सड़कें अच्छी बन पाई, जहां सड़कें अच्छी बन गई वहां पे वसूली टैक्स लगा दिया, न युवाओं को रोजगार मिल पाया, 2 लाख सरकारी नौकरी हरियाणा में खाली पड़ी है और इसराइल भेजना चाहते हैं मुख्यमंत्री हमारे बच्चों को युद्ध में मरने के लिए, वहाँ नौकरी करने भेजना चाहते हैं। तो ये सारी जो अव्यवस्थाएं हैं, किसानों को जो मुआवजे के लिए भटकना पड़ता है, 1,40,000 किसानों ने मुआवजा क्लेम किया था बाढ़ के लिए, लेकिन उनमें से सिर्फ 34,000 किसानों को मुआवजा दिया। 2,700 रुपये में कह रहे हैं राजस्थान में किसान का गेहूं खरीदेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हरियाणा का किसान किसान नहीं है क्या? यहाँ के किसान का 2,700 रुपये में गेहूं क्यों नहीं खरीदा जाता? कह रहे हैं कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है बीजेपी ने राजस्थान में, तो हरियाणा का गरीब गरीब नहीं है क्या? यहाँ 450 रुपये में सिलेंडर क्यों नहीं मिल सकता? ये सारी चीज़ें, इनके अंदर अगर बदलाव की ज़रूरत है, उसके लिए ये बदलाव यात्रा निकाली जा रही है कि लोगों को एक विकल्प प्रस्तुत किया जाए कि अगर आप इस स्थिति में बदलाव चाहते हैं तो बदलाव यात्रा से जुड़ें और हरियाणा में आम आदमी का राज लेके आएं। सभी सरकारें युवाओं की नौकरी बारे बात करती हैं, पर युवाओं की नौकरी के लिए क्या बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पे ये पूछता हूँ, जो बंदोबस्त किए जाएंगे भविष्य में मैं उस पर नहीं जाता। आज के दिन में हरियाणा सरकार के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है और अगर सरकार वो 2 लाख नौकरी देने की बजाय ये बात करने लगे कि हम अपने 10,000 युवाओं को युद्ध ग्रसित इसराइल में नौकरी करने के लिए भेजेंगे, तो मुझे लगता है इससे शर्मनाक बयान कोई नहीं हो सकता। हमारे युवाओं को युद्ध की आग में झोंकने की साजिश है, हरियाणा के युवाओं से नफरत करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। घर में 2 लाख नौकरी है वो नहीं दे सकते, लेकिन युद्धग्रस्त इसराइल में भेजने के लिए तैयार हैं, जहां दुनिया भर के लोग नौकरी छोड़ के चले गए क्योंकि वहां जान का खतरा है। सर, बेरोजगार को लेकर ज्यादातर युवा विदेश में चले गए हैं, गांव के गांव खाली हो चुके हैं, क्या कारण है? पंजाब में भी बिल्कुल ऐसा ही होता था जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार वहां नहीं आई थी। 2 चीज़ें जो पंजाब के अंदर बहुत प्रिविलेंट थी, पहले सारे लोग वहाँ पर, युवा विदेश जाते थे, वहाँ पर कोई नहीं रुकता था, सब कोशिश करते थे किसी तरह विदेश चले जाएं। वो चलन अब हरियाणा के अंदर बढ़ रहा है क्योंकि पंजाब में वो चलन रुक गया। हमने 42,000 नौकरी पिछले 1 साल के अंदर सरकारी नौकरी दी है, 3.5 लाख प्राइवेट रोजगार पैदा किए हैं। पंजाब का युवा अब विदेश भागने की बजाय पंजाब में रह के अपना भविष्य देखता है, इसलिए वो जो वहाँ से सारी एजेंसीज खाली हो गई जो विदेश भेजने का काम करते थे, वो सारा बिजनेस अब हरियाणा के अंदर शिफ्ट हो गया है। हर गांव से 40-40, 50-50, 100-100 बच्चे सही तरीके से, वैध तरीके से, अवैध तरीके से विदेश भागने में लगे हुए हैं। हरियाणा के भविष्य के लिए ये बेहद खतरनाक है। 25 लाख युवा हरियाणा के अंदर बेरोजगार है। हरियाणा में 25 लाख युवा बेरोजगार होने का मतलब कि हरियाणा बारूद के ढेर पे बैठा है। हमको इस स्थिति की गंभीरता को समझना पड़ेगा और जो ये विदेश जाने का ट्रेंड है, जो युवाओं की बेरोजगारी का ट्रेंड है, ये नशे के चलन को बढ़ावा देता है और नशे की गिरफ्त में आके, NCRB का डाटा है कि नशे की गिरफ्त में आके पूरे देश में सबसे ज़्यादा सुसाइड अगर युवा कहीं कर रहे हैं तो वो हरियाणा के अंदर कर रहे हैं। हर 1 लाख युवाओं पर 12.6 का औसत है आत्महत्या का, सुसाइड का, युवाओं का। इसलिए मुझे लगता है हरियाणा बहुत ही खराब स्थिति की तरफ जा रहा है, जिस स्थिति में कभी पंजाब उस गिरफ्त में होता था। हम पंजाब को उस गिरफ्त से निकालने में लगे हुए मशक्कत कर रहे हैं, गांव-गांव में खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं, खेल की आदत डाल रहे हैं बच्चों में, उनकी डाइट का इंतजाम कर रहे हैं ताकि नशे से उनको दूर किया जा सके, युवा अवस्था में रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं। हरियाणा को भी इस बदलाव की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होने देंगे कि पंजाब वाली स्टेज में हरियाणा पहुंचे उसके बाद हम बदलाव के बारे में सोचें। हम 2024 में हरियाणा में बदलाव करें। अनुराग जी, हरियाणा सरकार ने विकसित भारत यात्रा चलाई हुई है, उसको किस प्रकार से आप देखते हो? देखिए, मैं बार बार पूछता हूँ कि ये कांग्रेस ने पिछले दिनों में यात्रा निकाली थी, क्यों यात्रा निकाल रही है कांग्रेस? 25 साल राज किया है कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के ऊपर, कर देते जो भी कुछ करना था लोगों की भलाई में, यात्रा निकाल के क्या कर लेंगे? बीजेपी 52-55 यात्राएं निकाल रही है हरियाणा के अंदर, क्यों यात्रा निकाल रहे हैं? 9 साल से सरकार में बैठे हैं, आज भी मुख्यमंत्री बीजेपी का, आज भी सरकार बीजेपी की है, जो भी करना चाहते हैं ग्राउंड इंप्लीमेंट कर दो, यात्रा निकालने से क्या होगा?
आम आदमी पार्टी अगर बदलाव यात्रा निकाल रही है तो इसलिए निकाल रही है कि दिल्ली और पंजाब में हमने बदलाव करके दिखाया, व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया, और हरियाणा में हम लोगों से एक मौका मांगने के लिए बदलाव निकाल रहे हैं। इसलिए जो बाकी यात्राएं जो बाकी पार्टी निकालती हैं वो राजनीतिक ढकोसला है। ये आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा ग्राउंड पर व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक प्रयास है। अभी अभी पांच राज्यों में चुनाव हुए हैं, एक-एक करके पूछ लो। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोल रहे हो, गठबंधन के साथ लोकसभा लड़ा जाएगा या अकेले लड़ा जाएगा लोकसभा? प्रदेश में आप किसी भी देश में प्रदेश में अगर देखें तो दो तरीके के चुनाव होते हैं, एक लोकसभा चुनाव होता है और एक विधानसभा चुनाव होता है। लोकसभा चुनाव देश के संविधान की रक्षा के लिए लड़ा जाता है। जो भी सरकार केंद्र में होती है उसका दायित्व होता है कि देश के संविधान की रक्षा करे। आज जो सरकार केंद्र में है वो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो इतनी मशक्कत से सभी लोगों के सहयोग से संविधान तैयार किया था उसको खत्म करने पे लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार कर रहे हैं, चुनाव आयोग पे कब्जा कर रहे हैं, जो सांसद बोलता है उसको संसद से बाहर निकाल रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं, जो फिर भी नहीं मानते उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। ये तानाशाही की तरफ बढ़ते हुए कदम है। इन कदमों को रोकने के लिए ये निर्णय किया गया है। लोकतंत्र रहेगा तभी तो पार्टियां रहेंगी, और पार्टियां रहेंगी तभी जनता के पास ये मौका रहेगा कि वो अच्छी और बुरी पार्टियों में से किसी को चुन सके। अगर तानाशाही आ गई तो लोगों के पास ये मौका नहीं रहेगा कि वो निर्णय ले सकें, और अगर पार्टियों के पास भी ये मौका नहीं रहेगा कि वो लोगों के सामने अपने वायदे रख सकें या प्रयास कर सकें। इसलिए लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में सारी पार्टियों ने एकजुट होकर यह फैसला किया है कि पहले लोकतंत्र को बचाया जाए। लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत लड़ेंगे। हरियाणा में हमने बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता किसी तरह के गठबंधन का किसी भी पार्टी के साथ। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और एक तरफा बहुमत की सरकार बनाएगी। ये वादे इलेक्शन तक रहेंगे सर, जो वादे आप बता रहे हैं ये करेंगे इलेक्शन तक रहेंगे सर? आम आदमी पार्टी के वादे इलेक्शन तक नहीं होते, उसके बाद जमीन पे उतरते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने ये कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे तो इलेक्शन तक ही कहा था। राजस्थान में 450 का सिलेंडर दे रहे थे, 2 दिन बाद संसद में जवाब दे दिया कि कोई ऐसी योजना नहीं, तो इलेक्शन तक ही कहा था उन्होंने। जब 2700 रुपए में गेहूं खरीदने की बात कह रहे थे तो इलेक्शन तक ही कहा था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर आज तक जो कुछ कहा वो करके दिखाया। हमने कहा दिल्ली में बिजली फ्री करेंगे की, पंजाब में कहा तो वहां भी करके दिखाई। हमने कहा शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देंगे तो दिल्ली और पंजाब दोनों जगह दिया। हमारी हर एक योजना जहां भी हमारी सरकार आएगी वहां पर इम्प्लीमेंट होगी। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी इतनी प्रभावशाली है, लोगों को उनके ऊपर इतना यकीन हो चला है कि मोदी जी को उसकी नकल करनी पड़ी। आजकल कह रहे हैं मोदी की गारंटी, लेकिन लोग कहते हैं मोदी की गारंटी नहीं, मोदी जी का तो जुमला होता है। तो इसलिए लोग ये सारी बातें समझते हैं। आम आदमी पार्टी अपने काम के दम पे वोट मांगती है। हम तो हरियाणा के लोगों से भी खुला ऑफर देते हैं, हरियाणा के लोगों को, कि आप दिल्ली और पंजाब में किसी को भी फोन मिलाइए, किसी भी एक घर में जाके दरवाजा खटखटा लीजिए, 1 साल है आपके पास, और उस दरवाजा खटखटा के जो भी आदमी दरवाजा खोले उसको बोलना आम आदमी पार्टी वाले चिल्लाते फिर रहे हैं सब जगह पे कि बिजली फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी। क्या आपकी बिजली फ्री हुई है? अगर दरवाजा खोलने वाला कहे कि हाँ बिजली फ्री हुई है तो हमको हरियाणा में वोट देना, वरना हमको वोट मत। अनुराग जी, आम आदमी पार्टी की हरियाणा में स्थिति क्या है जबकि पंजाब सरकार पानी देने से मना कर चुकी है? देखिए देश एक है, देश को आप टुकड़ों में मत बांटिए कि यहाँ क्या स्थिति है वहाँ क्या स्थिति है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में क्या स्थिति है और पंजाब में क्या स्थिति है? दोगली बातें करते हैं। बीजेपी हरियाणा में क्या स्थिति है, पंजाब में क्या स्थिति है? दोगली बातें करते हैं, राजनीति करते हैं। पिछले 57 साल से इन मुद्दों के ऊपर इन पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। मैं आपको ढेरों उदाहरण दे सकता हूँ। कई बार ऐसा मौका आया जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, कर देते समाधान, क्यों नहीं किया? किसने रोका था? अनुराग ढांडा गया था, मत करना मत करना। बीजेपी की सरकार लेटेस्ट 2016 में तीनों जगह पे सरकार थी, केंद्र में, पंजाब में और हरियाणा में, कर देते समाधान, क्यों नहीं किया उस वक्त पे समाधान? 2019 में प्रधानमंत्री हरियाणा में रैली में कह के गए कि 70 साल से हमारा पानी बह के पाकिस्तान जा रहा है, ये मोदी उस पानी को रोकेगा, लोगों ने यकीन किया। लेकिन 4 साल हो गए मोदी जी, दुश्मन देश में पानी बह के जा रहा है, पंजाब हरियाणा राजस्थान को नहीं मिल रहा लेकिन दुश्मन देश में पानी बह के जा सकता है। जब झगड़ा होता है, जब इस बात पे विवाद होता है तो मोदी जी विदेश घूमने चले जाते हैं या मोदी जी फोटो खिंचवा रहे होते हैं कहीं पे। मोदी जी आज तक इस चर्चा के अंदर क्यों नहीं बैठे?
सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा, जब इस पर निर्णय दिया उन्होंने कहा केंद्र आपस में सहमति बनवाए दोनों प्रदेशों की, किसी भी प्रदेश में पूरे देश में अगर पानी की कमी है तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि उनको पानी उपलब्ध कराए। मोदी जी बैठ के तमाशा नहीं देख सकते, दोनों राज्यों को आपस में लड़वा नहीं सकते। किसान आंदोलन के बाद से बीजेपी की नींद उड़ी हुई है क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान एक होकर के किसान आंदोलन में बीजेपी की सरकार को झुका दिया, इसलिए इनकी नींद उड़ी हुई है, इसलिए आपस में लड़वाना चाहते हैं किसी न किसी बहाने। लेकिन लोग सारी साजिश समझते हैं। जिस दिन आम आदमी पार्टी के पास मौका हुआ कि तीनों जगह हमारी सरकार हुई, एक मिनट नहीं लगना इसके समाधान में, आपसी बातचीत के जरिए इसका समाधान करेंगे, प्यार प्रेम से करेंगे। डंडा जी, असंध विधानसभा की बात करें, टिकट किसको देंगे, पूंजीपति का किसी रिक्शा वाले? देखिए, आम आदमी पार्टी में पैसे से आम आदमी तय नहीं होता। अभी तक कुछ नहीं किया, आपकी पार्टी के बड़े नेता है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि आपकी जो पार्टी का नाम है काफी ऊंचा हो, तो किसको? वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने तो भी डरा जी आम आदमी पार्टी के, और एक एक तरफ तो बदलाव यात्रा है, बदलाव किस प्रकार की भी, भ्रष्टाचार के खिलाफ कम से कम आवाज तो उठाओ। देखिए, आम आदमी पार्टी में आम आदमी होने का मतलब गरीब या अमीर होने से नहीं है। जिस भी व्यक्ति ने ईमानदारी से अपना पैसा कमाया है, अपने संसाधन जुटाए हैं, वो हर व्यक्ति हमारी नजर में आम आदमी है, फिर चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे वो करोड़पति हो। अगर किसी ने भ्रष्टाचार करके अपने पैसे अपना अर्जित किए हैं या अपने संसाधन जुटाए हैं तो वो हमारी नज़र में खास आदमी है। इसलिए आम आदमी पार्टी में आम आदमी को टिकट मिलती है। चुनाव के समय ये तय किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग किसको चाहते हैं टिकट मिले, उसी व्यक्ति को टिकट मिलेगी। सर, असंध यात्रा कहाँ कहाँ तक जाएगी? देखिए, असंध में आज पूरे लगभग पूरा असंध का मार्केट हम कवर करेंगे और पदयात्रा भी उसमें करेंगे और उसके बाद कुछ एरिया रथ यात्रा में भी कवर करेंगे, रथ के जरिए भी, और फिर उसके बाद हम यहाँ से राजौंद होते हुए कलायत की तरफ निकल जाएंगे। अनुराग जी, जो पीछे 5 स्टेटों में चुनाव हुआ था, आम आदमी पार्टी के तकरीबन सभी कैंडिडेट की जमानत जब्त थी, तो उसके बाद क्या समीक्षा की? देखिए, 3 स्टेट के चुनाव में ये चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराना। पूरे हरियाणा के अंदर तुरंत चर्चा शुरू हो गई कि यार ये कांग्रेस के बस की बात नहीं है। क्यों? सारे सहयोगी दलों ने मौका दिया पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को कि सीधी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को हरा दो। हमने तो पूरे कैंडिडेट भी नहीं दिए थे, उस तरीके से संसाधन भी नहीं लगाए, उस तरीके से चुनाव भी नहीं लड़ा, क्योंकि सब ये चाहते थे कि ये जो तानाशाह सरकार है केंद्र के अंदर, ये लोकसभा चुनाव का ट्रेलर है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी इन प्रदेशों के अंदर बीजेपी को हरा दे। लेकिन अपनी खराब नीति, अपने खराब नेतृत्व की वजह से, अपनी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस पार्टी ये जीता हुआ चुनाव भी हार गई। इसलिए अब पूरे हरियाणा में ये चर्चा है कि कांग्रेस के बस की तो नहीं है, तीसरी बार में भी कांग्रेस तो नहीं हरा पाएगी, इसलिए लोग विकल्प देख रहे हैं। जिस दिन से ये रिजल्ट आए हैं हरियाणा के अंदर, आम आदमी पार्टी को लोग विकल्प के रूप में देखने लगे हैं, क्योंकि हमने जहाँ मजबूती से चुनाव लड़ा, 2 बार दिल्ली के अंदर अमित शाह जी ने भी पर्चे बांट लिए, मोदी जी ने भी प्रचार कर लिया, उसके बावजूद बीजेपी को बुरी तरह से धोया, बीजेपी को बुरी पटखनी दी। 15 साल पुरानी MCD की उनकी सरकार बीजेपी की दिल्ली के अंदर हमने बदल के दिखाई। गुजरात में उनके घर में घुस के 41 लाख वोट हासिल किए जब हमने मजबूती से चुनाव लड़ा। इसलिए लोगों को लगता है कि ये आम आदमी पार्टी है, अगर ये हरियाणा में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। जनता के लिए आपका कोई विशेष मैसेज? मेरा एक ही मैसेज है, आपने पिछले 57 सालों में हरियाणा में कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, JJP, अभिपा, बीच में और भी बहुत पार्टियां आ गई, सबको मौके देके देख लिए, आपकी ज़िंदगी नहीं बदली, आपके बच्चों की ज़िंदगी नहीं बदली। एक मौका आम आदमी को, अपने आप को देकर के देखिए, आम आदमी की सरकार बनाइए, खुद चलाइए, अपने सारे काम खुद कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया।